आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल प्रो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिकॉइल के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे रिकॉइल को कम कर सकते हो इस गन की, और जो फायरिंग स्पीड है उसको कैसे बढ़ा सकते हो, और जो कैपेसिटी है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले दोस्तों एक बात बता देता हूं कि आपको वीडियो शुरू से और एंड तक पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका नाम है M416, और बहुत से लोग इसे M4 भी बोलते हैं, और बहुत से लोग इसे M416 भी बोलते हैं, और जो इसमें लगती है 5.56 mm की गोलियां। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको सबसे पहली जो बात बता रहा हूँ वो है पावर की। तो दोस्तों हम इसकी पावर में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, जितनी इसकी पावर है इतनी ही इसकी पावर रहेगी, नहीं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं ना ही हम इसको घटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करते हैं रेंज की। तो दोस्तों रेंज को भी हम ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, जितनी इसकी रेंज है वो इतनी ही रहेगी यहाँ पर। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है रिकॉयल। दोस्तों हम रिकॉयल को बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी घटा सकते हैं। जो रिकॉयल होती है दोस्तों आपको पता ही होगा रिकॉयल होती है इस गन में थोड़ी सी होती है, लेकिन हम उसको दोस्तों और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपको नीचे एक स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैग स्टॉक एक मिलेगा। दोस्तों आप जब गेम खेलते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं इस गन से रिलेटेड जो इस गन में लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टैग स्टॉक है जो वो लगाना है यहाँ पर। बहुत सी चीज़ आपको दोस्तों पहले मिल जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक इस गन में लग जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको ये चीज़ें लगानी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रिकॉयल है उसमें थोड़ी सी जो रिकॉयलिंग है वो यहाँ पर कम हुई है। अगर दोस्तों मैं इस पे से हटा देता हूँ मार्क को तो जो रिकॉयल है वो दोस्तों इतनी हो जाती है जितनी इस गन की एक्चुअल में है। अगर दोस्तों मैं टैग स्टॉक को यहाँ पर लगा देता हूँ इस गन में तो जो रिकॉयल है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फोरग्रिप की। फोरग्रिप में दोस्तों यहाँ पर 6 चीज़ें होती हैं, वर्टिकल फोरग्रिप, लाइट फोरग्रिप, हाफ ग्रिप, थंब ग्रिप, लेजर साइट और एंगल फोरग्रिप। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 चीज़ें होती हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ पहले मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिक इस गन में लग जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छी वाली यहाँ पर बताने वाला हूँ जो सबसे बेटर इस चीज़ के लिए जो रिकॉयल है उसको कम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लाइट ग्रिप मिलेगी यहाँ पर। दोस्तों आप अगर इसको लगाते हो गन में तो जो रिकॉयल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं ऊपर, अगर मैं इस पर हटा देता हूँ तो रिकॉयल यहाँ पर बढ़ जाती है, अगर मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर तो जो रिकॉयल है वो यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर दोस्तों हाफ ग्रिप है ये रिकॉयल को बढ़ाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको जो हाफ ग्रिप है ये कभी नहीं लगानी है इसमें, क्योंकि रिकॉयल को दोस्तों बढ़ा देती है यहाँ पर। ठीक है, और आपको केवल यूज़ करना है यहाँ पर लाइट ग्रिप। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप देख लेना जो लेजर साइट है वो आपको हटा देना है, थंब ग्रिप वगैरह हटा देना है। अगर आपको यहाँ पर लाइट ग्रिप मिलती है तो आपको लाइट ग्रिप यहाँ पर लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर मजल की। मजल में दोस्तों यहाँ पर सप्रेसर होता है, फ्लैश हेडर होता है और कंपनसेटर होता है। दोस्तों बहुत से लोग दोस्तों करते क्या, वो सप्रेसर लगा लेते हैं जिससे कि जो गन की जो साउंड है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन दोस्तों एनिमी को तब भी पता चल जाता है कि गन कहाँ से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर सप्रेसर की जगह पर कंपनसेटर लगाए जो आपकी रिकॉयल को दोस्तों यहाँ पर कम कर देगा, आप दूर से एनिमी को अच्छी तरीके से एम कर सकते हो। दोस्तों आप दोस्तों सप्रेसर की जगह कंपनसेटर लगाओ यहाँ पर यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी जो रिकॉयल है वो यहाँ पर कम हो जाए। और दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हो, सप्रेसर लगाते हो, लेकिन दोस्तों उससे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एनिमी को तो तब भी पता चल जाता है कि कहाँ से गन चल रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनसेटर दोस्तों आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो जो रिकॉयल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों ये नहीं है कि जो सेटिंग मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि वो आपको गेम में ऑटोमेटिकली सब सेट मिलेगा। दोस्तों जब आप गेम खेलती हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरी गन में क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो आपको कोई चीज़ मिलती है तो आपको वो सेट करनी है। यहाँ पर क्या क्या सेट करनी है दोस्तों फिर से बता देता हूँ, लाइट ग्रिप लगानी है आपको, इनमें से 6 चीज़ में से आपको लाइट ग्रिप लगानी है, थंब ग्रिप, लेजर साइट, हाफ ग्रिप, वर्टिकल फोर ग्रिप और एंगल फोर ग्रिप, आपको इनमें से लाइट ग्रिप लगानी है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये है लाइट ग्रिप यहाँ पर, और जो स्टॉक है उसमें ये तो ऑटोमेटिक लग जाएगा यहाँ पर, और जो मजा है दोस्तों उसमें से सप्रेसर, फ्लैश हेडर और कंपनसेटर, आपको कंपनसेटर यहाँ पर लगाना है।
जो रिकॉयल को यहाँ पर बहुत कम कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फायरिंग स्पीड की और कैपेसिटी की। दोस्तों फायरिंग स्पीड और कैपेसिटी आप इस दोनों को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। कैसे दोस्तों? आप दोस्तों जैसे मैगजीन में जाते हो तो आपको मैगजीन में एक्सटेंड मैग मिलता है और क्विक ड्रा मैग मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, तो ये है दोस्तों क्विक ड्रा एक्सटेंडेड मैग, जो आपको दोनों काम करता है। ये फायरिंग स्पीड को भी बढ़ाता है और कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों आप गेम खेलते हो तो आप क्विक ड्रा की जगह पे क्विक ड्रा एक्सटेंडेड मैग यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्विक ड्रा एक्सटेंडेड मैग लगाते हो तो दोस्तों जो आपकी फायरिंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। करीबन 95% जो आपकी फायरिंग स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और साइट में मतलब जो स्कोप होते हैं उनमें से आप कोई भी यहाँ पर लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आप ट्राई करके देखना, जो जो चीज़ मैंने बताई हैं ये चीज़ आप गेम में लगाना, और फिर उसके रिकॉयल को, फायरिंग स्पीड और कैपेसिटी, आप इन तीनों चीज़ों को देखना। रिकॉयलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो फायरिंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और जो कैपेसिटी है दोस्तों वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट गन हो गई है, जिसमें कि रिकॉयलिंग बहुत कम है और जो फायरिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एकदम परफेक्ट गन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए यार। तो दोस्तों आपको ये चीज़ यूज़ करनी है जब आप गेम खेलते हो। एक बार दोस्तों फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि आप ये चीज़ यहाँ से सेट कर दी, ये आपको गेम में सेट हो ही नहीं मिलेंगी। आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी वहाँ से, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ मेरे गन में लगी हुई है, आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आपको दोस्तों ये चीज़ें लगानी है तो आपकी रिकॉयलिंग, फायरिंग स्पीड, कैपेसिटी, रिकॉयलिंग कम हो जाएगी और जो अदर है फायरिंग स्पीड और कैपेसिटी, ये आपकी दोनों बढ़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।